हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 4 की न्यू अपकमिंग मूवीज के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे इसके इवनिंग में रिलीज हुए टीजर के अपडेट के बारे में, जिसमें कि हमें रिलीजिंग डेट, टाइटल्स और देन काफी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चला और देन नई फुटेज के बारे में पता चला। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अगर आप एक मार्वल फैंस हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फुटेज के अपडेट के बारे में। तो आज के दिन अपडेट था, रूमर था कि वेनम का या फिर आपको दी इंटरनल्स का फुटेज देखने को मिल सकती है। और फाइनली आज के टीजर में सबसे ज्यादा हाईलाइट इंटरनल्स रहा और देन इन फुटेज को देख के लग रहा है कि मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है और देन किसी सीरियस टॉपिक पे होने वाली है। और देन सीन को देख के तो ये लग रहा है कि 100% गारंटेड ये एवेंजर्स एंड गेम की बात की टाइमलाइन है। जी हाँ, देन आपको मैं क्लियर ही कर दूं पहली फंडा, और देन जो उसमें इन कैरेक्टर्स को शक्तियां मिलेंगी वो एशियन टाइम से मिलेंगी, तो यानी कि कुछ तो लफड़ा होने वाला है। और आपको बता दूं कि केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया कि गीमा चैन इसमें लीड करने वाली है सभी मेंबर्स को, तो ये बहुत बड़ी बात है गीमा चैन के लिए भी। और देन एंजेला जोली का एक एक्शन सीन था जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे कमाल का लगा। तो बस यही थी वो फुटेज, और देन अगर आपको ये देखनी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसी के साथ अब बात करते हैं रिलीजिंग डेट के अपडेट के बारे में। तो फाइनली मार्वल स्टूडियो ब्लैक विडो 9 जुलाई 2021 को इंडिया में, हिंदी, तमिल, तेलुगु में रिलीज होगी, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और उसी के साथ सेकंड मूवी जो आपको देखने को मिलेगी मार्वल स्टूडियो शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग, जो कि 3 सितंबर 2021 को रिलीज होगी, जो कि इस साल की दूसरी मूवी होगी 6 महीने बाद। फिर उसके बाद दी इंटरनल्स, जो कि मार्वल स्टूडियो की न्यू पेशकश है एंशिएंट टाइम की, ये मूवी होगी 5 नवंबर 2021 को ये मूवी रिलीज होने वाली है और उसमें आपको काफी सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। और इस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी सुपर हिट स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी, और उम्मीद ये है कि 2022 में इसे बेस्ट विजुअल इफेक्ट भी मिलेगा। उसी के साथ 25 मार्च से स्टार्टिंग होगी जादूगरी से, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टी ऑफ मैडनेस, जो कि वांडाविजन से कनेक्ट होगी डायरेक्ट। उसी के साथ 6 मई 2022 को थॉर लव एंड थंडर, यानी कि थॉर का चौथा पार्ट, इनके डायरेक्टर का कहना है कि ये मूवी अब तक की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है, देखते हैं कैसी होगी। उसी के साथ ब्लैक पैंथर 2, इसका ऑफिशियली टाइटल है वकांडा फॉरएवर, 8 जुलाई 2022 को ये रिलीज होगी। इसकी एक टीवी सीरीज भी आएगी जो कि वकांडा फॉरएवर के नाम से हो सकती है। उसी के साथ दी मार्वल्स, तो फाइनली टाइटल चेंज कर दिया, 11 नवंबर 2022 को रिलीज होगी, क्यों कराए इसकी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाऊंगा। देन उसी के साथ एंड मैन द वास्प क्वांटमेनिया, जो कि 17 फरवरी 2023 को रिलीज होगी और इसकी ऑफिशियली रिलीजिंग डेट आज के दिन ही कंफर्म हुई है। देन अगली मूवी है गार्डन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, फाइनली साउंड बहुत अच्छा आता है, देखिएगा जरूर आप टीजर में, 5 मई 2023 को ये मूवी रिलीज होगी। तो गाइस, ये थे वो काफ़ी सारे कमाल के प्रोजेक्ट्स, रिलीजिंग डेट और फुटेज। अगर आपको ये सब कुछ देखना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको सारे फुटेज देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको ये सारी लिस्ट मूवी की मिल जाएंगी कि कौन सी ईयर में कौन सी मूवी रिलीज हो रही है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।